उदाहरण 14। यदि त्रिभुज एबीसी और समांतर चतुर्भुज एबीईएफ एक ही आधार एबी पर तथा समांतर भुजाओं एबी और ईएफ के मध्य स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर चतुर्भुज एबीईएफ का क्षेत्रफल। उदाहरण 14। बच्चों, आपके सामने एक चित्र जो दिखाई पड़ रहा है उसकी मदद से हम एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज जिनके आधार एक ही हैं और जो एक ही समानांतर रेखाओं के बीच निर्मित है उनके क्षेत्रफल के बारे में है क्या संबंध है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज एफ ए बी ई है और एक त्रिभुज सी ए बी आप देख रहे हैं, इनके क्षेत्रफलों के बीच में कोई संबंध है क्या ये हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम थोड़ी सी रचना करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के जो ऊपर की भुजा है एफ ही, उसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जो त्रिभुज की एक भुजा ए सी है उसके समानांतर एक रेखाखंड हम यहाँ से खींचते हैं जो बढ़ाई हुई रेखा को एच पर मिलता है और ये रेखाखंड बी एच बनता है। तो ऐसा करने पर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की रचना यहाँ पर हो रही है और जो इस त्रिभुज के जैसी लग रही है। अब हम इस त्रिभुज और इस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में विचार करते हैं। आपने अभी ये पढ़ लिया है कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने समानांतर चतुर्भुजों का या आयतों का क्षेत्रफल एक जैसा होता है। तो आप यदि गौर से देखें तो आपको दो समानांतर चतुर्भुज भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। एक समानांतर चतुर्भुज एफ ए बी ई है और दूसरा समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच है। तो आप ये कह सकते हैं कि इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल एक बराबर है। अब यदि आप इस त्रिभुज और इस नए समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में कुछ बात कर सकें तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना पहले वाले समानांतर चतुर्भुज से कर सकते हैं। तो देखिए, हम समानांतर चतुर्भुज ए बी एच सी और त्रिभुज सी ए बी के क्षेत्रफल के बारे में विचार करें तो आप देखेंगे समानांतर चतुर्भुज ए बी एच सी इस समानांतर चतुर्भुज में सी बी या बी सी विकर्ण है, और आप जानते हैं ये समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो आप देख रहे हैं कि ये समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच का विकर्ण सी बी इस पूरे चतुर्भुज को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, सी ए बी त्रिभुज और त्रिभुज सी बी एच। तो आप इस आधार पर कह सकते हैं कि त्रिभुज सी ए बी बराबर त्रिभुज सी बी एच। और आप ये भी परिणाम निकाल सकते हैं कि यदि हम दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखें क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी धन क्षेत्रफल त्रिभुज सी बी एच बराबर क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच अब चूंकि अभी आपने सी ए बी और सी बी एच का क्षेत्रफल बराबर लिखा है तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी का धन क्षेत्रफल त्रिभुज फिर से सी ए बी ए दिया आप कर दें, क्योंकि आपने देखा है कि दोनों बराबर हैं।
ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच के। तो अब देख रहे हैं कि सी ए बी और सी ए बी का क्षेत्रफल दो बार आया है, तो अब लिख सकते हैं दो गुणित क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी बराबर क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच। ये गणना के तौर पर चल रहा है, इसको पहले आपने यहाँ पर देख लिया था, और आप लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी बराबर एक बटे दो गुणित क्षेत्रफल चतुर्भुज सी ए बी एच। अब इसे आप चित्र में देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी का, सी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, ये परिणाम आपने गणितीय रूप से यहाँ प्राप्त कर लिया। अब आपको ये पता है कि आपने पढ़ा था कि अगर दो चतुर्भुज एक ही आधार पर निर्मित हो और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो आप इस आधार पर देख सकते हैं कि ए बी या सी ए बी एच समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज एफ ए बी ई के, एफ ए बी ई। ये बात आप समझ पा रहे हैं, एक समानांतर चतुर्भुज ये है और दूसरा समानांतर चतुर्भुज ये आपको दिखाई पड़ रहा है जिसकी दो भुजाएं लाल रंग से हैं। ये दोनों समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार ए बी पर बने हैं और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच है, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। जो परिणाम आपने यहाँ पर अभी प्राप्त किया है उसमें सी ए बी एच को आप एफ ए बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्षेत्रफल त्रिभुज सी ए बी बराबर मिलेगा एक बटे दो गुणित क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज सी ए बी एच की जगह चतुर्भुज क्षेत्रफल बी एफ ए बी ई, क्षेत्रफल चतुर्भुज एफ ए बी ई का। तो आप देखिए एफ ए बी ई एक समानांतर चतुर्भुज जो हमें पहले मिला हुआ था और त्रिभुज सी ए बी जो उसके अंदर निर्मित है और जिन दोनों का आधार एक ही है ए बी और जो एक ही समानांतर रेखाओं के जोड़े एफ ई और ए बी के बीच निर्मित है। तो एक और आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम मिलता है कि एक ही आधार और समानांतर रेखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। इसे आप उल्टा भी कह सकते हैं, ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है जो एक ही आधार पर बने हैं और एक ही समानांतर रेखाओं के जोड़े के बीच निर्मित है। तो एक और महत्वपूर्ण परिणाम आपको मिला, इसका भी उपयोग आपको आगे कई जगहों पर करना पड़ेगा।